दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसे इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और उस टॉपिक का नाम है टेंस, जिसे कि हिंदी में हम काल कहते हैं। दोस्तों ये टॉपिक बहुत से स्टूडेंट्स के लिए सर दर्द बना रहता है। इसकी एक खास वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसके रूल्स को रट्टा मारकर इसे सीखने का प्रयास करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को शुरू से बेसिक से और गहराई से सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हैं जो कि टेंस के रूल्स को रट्टा मारकर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, और अगर आप टेंस के कॉन्सेप्ट को शुरू से बेसिक से और गहराई से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों इस टॉपिक का नाम सुनकर ही अधिकतर स्टूडेंट्स टेंस हो जाते हैं यानी कि टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेंशन शब्द जिस रूट वर्ड टेंस से बना है जिसका कि मतलब होता है स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव, उसका इंग्लिश ग्रामर के टेंस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में टेंस शब्द तो लैटिन भाषा के एक शब्द टेम्पस से आया है जिसका कि लैटिन भाषा में मतलब होता है टाइम यानी कि समय। इस बात से ये तो क्लियर है कि टेंस का संबंध टाइम से है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेंस के डेफिनेशन को देख लेते हैं। टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू इंडिकेट टाइम, ऑल्सो कॉन्टिन्यूएंस और कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन जनरली। अर्थात टेंस क्रिया का वह रूप है जो सामान्यतः कार्य के होने के समय साथ ही साथ उसके जारी रहने या पूर्ण हो जाने की स्थिति को दर्शाता है। अब चूंकि समय तीन प्रकार के होते हैं, पहला बीता हुआ समय, दूसरा वर्तमान समय यानी कि जो अभी चल रहा है, और तीसरा आने वाला समय, इसीलिए टेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। बीते हुए समय के लिए भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान समय के लिए वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, और आने वाले समय के लिए भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस। लेकिन आप टेंस के डेफिनेशन को गौर से देखिएगा तो पाइएगा कि टेंस सिर्फ टाइम को ही नहीं दर्शाता, ये इसके अलावे और भी कुछ दर्शाता है। ये किसी कार्य के चालू रहने की स्थिति यानी कि कॉन्टिन्यूएंस, या पूर्ण हो जाने की स्थिति यानी कि कंप्लीटनेस को भी दर्शा सकता है। इसीलिए टेंस के इन तीनों कैटेगरीज के चार चार सब कैटेगरीज यानी कि उपभेद भी हैं। पहली सब कैटेगरी है इंडेफिनिट टेंस। अगर ये प्रेजेंट टेंस के साथ आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाती है, अगर ये पास्ट टेंस के साथ आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाती है, और अगर ये फ्यूचर टेंस के साथ आती है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाती है। अब इंडेफिनिट शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये डेफिनेट शब्द का अपोजिट है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित या पक्का, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं ये काम डेफिनेटली करूंगा, मतलब कि मैं ये काम पक्का यानी कि निश्चित रूप से करूंगा। इसीलिए डेफिनेट शब्द का मतलब है निश्चित, और इनडेफिनिट शब्द का मतलब है अनिश्चित यानी कि जो निश्चित ना हो। टेंस के इस सब कैटेगरी का नाम इनडेफिनिट टेंस इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिससे हमें ये पता नहीं चलता कि काम अभी जारी है यानी कि कंटिन्यू है, या फिर पूर्ण हो चुका है यानी कि कंप्लीट है। यानी कि इसमें ये बात अनिश्चित है, इनडेफिनिट है कि काम अभी कंटिन्यू है या कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं चावल खाता हूँ, इस वाक्य से हमें ये पता नहीं चलता कि मैं अभी खा रहा हूँ या खा चुका हूँ, यानी कि ये बात इनडेफिनिट है कि काम कंटिन्यू है या कंप्लीट हो चुका है। अब चूंकि ये इनडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस के साथ आई है इसीलिए इसे हम कहेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अब एक दूसरा वाक्य देखिए, मैं चावल खाता था, चूंकि ये बीते हुए समय की बात है यानी कि पास्ट टेंस में है, और उसमें ये बात इनडेफिनिट है कि काम पास्ट में कंटिन्यू था यानी कि मैं खा रहा था, या फिर काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका था यानी कि मैं खा चुका था, ये बात नहीं पता, इसीलिए इसे पास्ट इनडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाएगा। पास्ट इनडेफिनिट टेंस के अंतर्गत एक और तरह के वाक्य आते हैं, जैसे मैंने चावल खाया। ऐसे वाक्यों से भी हमें ये पता नहीं चलता कि काम अभी जारी है या पूर्ण हो चुका है, यानी कि ये बात इनडेफिनिट है कि मैं चावल खा रहा था या खा चुका था, इसीलिए इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक वाक्य को देखिए, मैं चावल खाऊंगा। अब इस वाक्य में आने वाले समय की बात हो रही है कि भविष्य में मैं चावल खाऊंगा, इसीलिए ये फ्यूचर टेंस में है, और चूंकि इससे ये पता नहीं चलता कि काम कंटिन्यू रहेगा या कंप्लीट या फिनिश हो चुका रहेगा, यानी कि मैं चावल खाता रहूंगा या मैं चावल खा चुका रहूंगा, ये नहीं पता, इसीलिए ये इनडेफिनिट टेंस में है, और ओवरऑल ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम चलते हैं टेंस के दूसरी सब कैटेगरी की तरफ जिसका कि नाम है कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको कि हम प्रोग्रेसिव टेंस या फिर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस को हम कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं
जिनसे किसी काम के कंटिन्यू रहने यानी कि जारी रहने का पता चलता है। इस टेंस को हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि काम अभी जारी है यानी कि प्रोग्रेस में है, कंप्लीट नहीं हुआ है यानी कि परफेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि काम अभी इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है। जैसे मैं चावल खा रहा हूँ, इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि काम अभी प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू है यानी कि जारी है, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है यानी कि काम परफेक्ट नहीं हुआ है, इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है। अब चूंकि इस वाक्य में वर्तमान समय की बात हो रही है और काम कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है, इम्परफेक्ट है, इसीलिए इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। अब यही कंटिन्यूअस टेंस अगर पास्ट टेंस के साथ आता है तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। जैसे मैं चावल खा रहा था, ये बीते हुए समय की बात है यानी कि पास्ट टेंस में है, और उस समय काम पूरा नहीं हुआ था बल्कि काम जारी था यानी कि काम कंटिन्यू था और इम्परफेक्ट था, इसीलिए इसे पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। अब फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस के एक वाक्य को देखिए, मैं चावल खाता रहूँगा। जैसे आप कहते हैं ना कि अरे उस समय मुझसे मिलने मत आना क्योंकि उस समय मैं फुटबॉल खेलता रहूँगा, तो इसी तरह का वाक्य है ये। ऐसे वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि भविष्य में यानी कि फ्यूचर में किसी पार्टिकुलर टाइम में कोई काम होता रहेगा, अर्थात जारी रहेगा यानी कि कंटिन्यू रहेगा और इम्परफेक्ट रहेगा यानी कि काम पूर्ण नहीं रहेगा, इसीलिए इसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। चलिए अब चलते हैं टेंस की तीसरी सब कैटेगरी की तरफ जिसका कि नाम है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट यानी कि पूर्ण। जिस टेंस से किसी काम के पूरे हो जाने का बोध होता है उसे परफेक्ट टेंस कहते हैं। वर्तमान समय में अगर कोई काम पूरी हो चुकी है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, जैसे कि मैं खा चुका हूँ। बीते हुए समय में कोई काम पूरी हो चुकी थी तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे, जैसे मैं खा चुका था। और अगर आने वाले समय में कोई काम पूरी हो चुकी रहेगी तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे, जैसे मैं खा चुका रहूँगा या मैं खा चुकूँगा। जैसे कि आप कहते हैं ना कि जब तक तुम आओगे तब तक मैं खा चुका रहूँगा, तो यहाँ काम फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका रहेगा, इसीलिए इसका नाम फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए अब हम टेंस के चौथे और अंतिम सब कैटेगरी की तरफ चलते हैं जिसका कि नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके नाम को ही सुनकर आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि कोई काम परफेक्ट भी हो और कंटिन्यू भी हो, यानी कि पूरा भी हो चुका हो और जारी भी हो। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ परफेक्ट शब्द से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ परफेक्ट शब्द का यूज़ दूसरे सेंस में किया गया है। यहाँ परफेक्ट काम नहीं है बल्कि समय है, यानी कि इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि काम किसी परफेक्ट यानी कि फिक्स समय से चालू हुआ है और अभी तक जारी है यानी कि कंटिन्यू है। जैसे वह सुबह से सो रहा है, 2 घंटों से बारिश हो रही है। इन वाक्यों में टाइम परफेक्ट है यानी कि फिक्स है, जैसे सुबह से, 2 घंटों से, एटसेट्रा, और काम अभी तक कंटिन्यू है, इसीलिए इस टेंस का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चूंकि इन वाक्यों में हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं इसीलिए इनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाएगा, और अगर हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग बीते हुए समय के लिए करेंगे तो वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत कहलाएंगे। जैसे वह सुबह से सो रहा था, 2 घंटों से बारिश हो रही थी। और अगर हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग आने वाले समय के लिए करेंगे तो इन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे मैं सुबह से खेलता रहूँगा, वह 2 घंटों से पढ़ता रहेगा। इस तरह आपने देखा कि टेंसेस की 3 कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इन तीनों कैटेगरीज की 4-4 सब कैटेगरीज भी हैं। ये सब कैटेगरीज 4 ही क्यों हैं, क्योंकि टेंस में टाइम के अलावे 2 और चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कंटिन्यूएंस और परफेक्टनेस, जिसमें कंटिन्यूएंस और परफेक्टनेस दोनों ही ना हो, केवल टाइम सिंपली मेंशनड हो, उसे इनडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिसमें केवल कंटिन्यूएंस हो, परफेक्टनेस ना हो, उसे हम कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव या फिर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिसमें परफेक्टनेस हो उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं, और जिसमें परफेक्टनेस और कंटिन्यूएंस का सम्मिश्रण हो, यानी कि काम एक परफेक्ट समय से शुरू होकर अभी तक कंटिन्यू हो, उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इन चारों सब कैटेगरीज को टेंस की तीनों कैटेगरीज से कंबाइन करने पर हमें कुल 12 टेंसेज मिलते हैं, 4 + 12।
और अब आप जान चुके हैं कि इन 12 टेंसेज में किन किन तरह के सेंटेंसेज आते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन सेंटेंसेज को इंग्लिश में फ्रेम करना बताऊंगा, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताऊंगा, ताकि आप आसानी से अच्छी अंग्रेजी लिख सकें और बोल सकें। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।